गर्मी के शुरुआती दौर से पहले ही बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को अब परेशानी होने लगी है। खासकर किसानों को गन्ने की बुआई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे तक विद्युत कटौती की जा रही है और मनमानी से परेशान ग्रामीण व किसानों ने जल्द विद्युत सप्लाई ठीक किए जाने की चेतावनी दी है। तो वही कांग्रेस भी विद्युत विभाग पर ग्रामीणों का शोषण किए जाने का आरोप लगा रही है। के बाद से और आज तक इस क्षेत्र में गांव में रात के टाइम का जो खाना है जी वो रोशनी में नहीं खा के देखा लोगों ने। ये हालत इस प्रदेश की ऊर्जा इस सरकार ने कर दी है। गर्मी की वजह से लाइट ना आने की वजह से इतनी रोस्टिंग है ये बेच रहे हैं, खुलेआम उद्योगपतियों को जो है लाइट बेची जा रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीब है, जो किसान है, उनकी कटौती हो रही है। सिंचाई का टाइम चल रहा है, राजभवन की स्थिति यह है कोई आ नहीं रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, फसलों में जो पानी देना है उसकी पूर्ति हो नहीं रही है। और जब किसान खेत से काम करके घर जाता है तो वो इतना नहीं कि आराम भी कर ले, वो पंखा तक नहीं चला सकता है, मच्छर उसको काट रहे हैं इस अंधी बहरी सरकार ने और महंगाई बढ़ाने पे रोज लगे हुए। तो यहाँ भाई दिन में चलना रात को जंगल में रहे, घर में जाकर आराम नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं मिलती, अंधेरे में खाना खाना पड़ा, परेशानी हो रही, ना सिंचाई पूर्ति हो रही, जो है बांधा उनका भाई ट्यूबवेल लाइट नहीं आ रही तो ट्यूबवेल नहीं चल रही, परेशानी ही परेशानी है। जो गर्मी हमारी अप्रैल में आती थी वो इस बार थोड़ा पहले मार्च से ही शुरू हो गई है गर्मी, और गर्मी के बढ़ने के कारण जो स्थिति अप्रैल में बनती थी वो मार्च में क्रिएट हो गई है। और इस वजह से सिर्फ मंगलोर में ही नहीं, मतलब ग्रामीण में भी, उद्योगों में भी, सब में जो हमारा रोस्टिंग का कोड आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है। पीक आवर्स में ज़्यादा महसूस